नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल गार्डन रूपटॉप नर्सरी स्टाइल। तो दोस्तों, आप टिकोमा प्लांट में देख रहे हैं कि कितना अच्छा फ्लावरिंग चल रहा है। तो ये टिकोमा प्लांट है जो कि मतलब 15 दिन पहले ये फ्लावरिंग नहीं कर रहा था, बड्स भी नहीं था इसमें। तो मैंने जो है इसको कैसे केयर किया, कौन सा फर्टिलाइज़र मैंने दिया, उसके बाद जो है दोस्तों ये प्लांट्स जो है पूरा फूलों से भरा हुआ है। तो देखिए, इसका जो हर ब्रांचेस में फ्लावर्स है, हर ब्रांचेस में अभी बड्स है। तो दोस्तों, इसके पीछे जो केयर है, जो फर्टिलाइज़र है, वो मैं आज आपसे शेयर करूँगा। तो बने रहिए, पूरा वीडियो देखिए। पूरा वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। बहुत सारा कलरों में जो है ये टिकोमा फ्लावर्स फ्लावर प्लांट है। तो मेरे पास जो है एक तो येलो वाला है, दूसरा जो ये ऑरेंज वाला है, और इसके अलावा पिंक है, मतलब रेड है, और समर में बहुत ही अच्छा मतलब इसमें ये बहुत ही अच्छा खिलता है। लेकिन समर के बाद भी मतलब पूरे साल ही कुछ ना कुछ इसमें फ्लावरिंग होता रहता है। ये एक्सट्रीम जब विंटर होता है तभी ये प्लांट्स जो है थोड़ा डोरमेंसी में जाता है, तो उस टाइम जो है ये फ्लावरिंग बंद करता है। अदरवाइज़ जो है ये फ्लावर प्लांट आपको पूरे साल ही जो है फ्लावरिंग करता रहेगा। तो दोस्तों, चलिए मैं पीछे लौटता हूँ। मैं आज जो है वो फर्टिलाइज़र मैं डालूंगा, ताकि आपका प्लांट जो है हेल्दी भी बने और इसमें बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर दे और फ्लावरिंग स्टार्ट कर दे। तो दोस्तों, चलिए मैं इसको दिखाता हूँ। देखिए, ये जो पॉट है, पॉट साइज़ जो है देखिए बहुत ही अच्छा पॉट साइज़ है इसके। 12 इंच का जो पॉट है, इस पॉट में जो है इसको मैं ग्रो कर रहा हूँ। पिछले साल भी जो है बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग किया, तो इस साल जो है अभी तक इसमें बर्ड्स प्रोड्यूस नहीं हुआ। तो इसका कारण जो है दोस्तों, इसका न्यूट्रिशन की कमी। इसका जो सनलाइट का रिक्वायरमेंट्स है दोस्तों, ये फुल सन में थ्राइव करने वाला एक पौधा है। तो अगर पॉट में ग्रो करता है, कम से कम जो है 6 से 7 घंटा का जो सन है इसको बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे जगह पे आप इसको प्लेस कीजिए, ताकि ये 6 से 7 घंटा कम से कम जो है इसका इसको जो है धूप मिले। तो दोस्तों, चलिए नेक्स्ट वाटरिंग का मैं बात करता हूँ। वाटरिंग जो है दोस्तों, इसको थोड़ा सा मॉइस्चर मेंटेन रखिए, कि रेगुलर बेसिस पे इसको वाटरिंग कीजिए। जैसे ऊपर का सॉइल थोड़ा बहुत सूख जाता है तो फिर आप इसको वाटरिंग कीजिए। तो मैं इसको जो फर्टिलाइज़र मैं यूज़ करूँगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ, जिस फर्टिलाइज़र से आपका जो पौधा है वो बहुत जल्दी जो है इसमें बर्ड्स प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा और बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करना स्टार्ट कर देगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा गुड़ाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी जो है दोस्तों, इसको अगर ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देंगे तो कंपोस्ट होने में टाइम लगेगा और उसका एक्शन जो है वो भी मतलब समय लगता है उसमें। तो इसलिए मैं अभी इनको जो है ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र के बदले में मैं जो फर्टिलाइज़र यूज़ करूँगा वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जो है पहला जो फर्टिलाइज़र मैं इसको डालूँगा वो है DAP। DAP का जो है 1/2 टीस्पून आप इसको आप डाल दीजिए किनारे किनारे। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र है वो है ये 10/26/26, मतलब NPK 10/26/26। ये जो NPK 10/26/26 है, इसमें 10% जो है नाइट्रोजन है, 26% जो है पोटाशियम है, और 26% जो है फॉस्फोरस है। तो इसको आप हाफ टी स्पून इसको भी डालिए। नेक्स्ट जो फर्टिलाइज़र मैं डालूँगा वो है पोटाश। ये जो है 1 टीस्पून आप इसको जो है इसके किनारे किनारे डाल दीजिए। और ऐसे थोड़ा सा आप इसको मिक्स कर दीजिए। तो और रेगुलर बेसिस पे इसको वाटरिंग कीजिए। जैसे ही ऊपर का सॉइल थोड़ा बहुत सूख जाता है तो फिर आप इसको वाटरिंग कर दीजिए। तो दूसरा जो है, एक तो वाटरिंग का ध्यान देना है, दूसरा जो है इसको सनलाइट का भी ध्यान देना है। सनलाइट कम से कम 6 से 7 घंटा मिले, ऐसे जगह पे आप इसको प्लेस कीजिए। और बाकी जो है दोस्तों, ऐसे पेस्ट कंट्रोल के लिए आप टाइम टू टाइम 10 से 15 दिन के बाद जो है इसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे कीजिए, स्पेशली नीम ऑयल की। तभी आपका प्लांट्स जो है बहुत ही अच्छा हेल्दी और फ्रेश रहेगा और पेस्ट फ्री रहेगा और अच्छा फ्लावरिंग भी करेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे मतलब जो है इसके अपडेट के साथ मैं आपसे मिलूँगा। तो दोस्तों, ये देख रहे हैं आप कि कितना अच्छा मतलब ब्लूमिंग स्टार्ट कर दिया और पूरा जो है पौधा जो है फूलों से भर गया।
तो दोस्तों अगर आपके प्लांट्स भी ऐसे ब्लूमिंग स्टार्ट नहीं हुआ, बर्ड्स नहीं आ रहा है, तो आप इस फर्टिलाइजर को यूज़ कीजिए और ऐसे जैसे मैंने बोला केयर करने के लिए, वैसे अगर केयर करेंगे तो आपका पौधा भी मतलब अच्छा फ्लावरिंग स्टार्ट कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। अगर आप न्यू विजिटर्स हैं तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुँचेगा, आप उसको सबसे पहले देख सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक नया जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू दोस्तों।